also by the job and security. आप कभी भी किसी वक्त भी कहीं से कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं. सस्पेंशन, पोस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एनी टाइम. जेल पा के रखा होंगे. कोई भी एक ऐसी चीज है जिससे आप अग्री नहीं करते इसमें. यही होता है ना जी. एग्जैक्टली. नेक्स्ट. नाउ अदर पीपल्स बिहेवियर. अब हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियर आपके ऊपर इफेक्ट करता है. क्लैम्स. क्लैम कहते हैं केकड़े को. केकड़ा कभी देखा आपने? जब मछेरे केकड़े को पकड़ते हैं ना तो उसके ऊपर ढकना नहीं रखते. पता क्यों? पता है क्यों? जब केकड़े वो मछेरे पकड़ते हैं ना तो क्योंकि केकड़ा तो निकल भी सकता है ना बाहर, तो ढकना क्यों नहीं रखते उसके ऊपर? क्योंकि जब एक केकड़ा बाहर निकलता है ना तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पड़े खींच लेता है. और वहां से लेग पुलिंग का जो मुहावरा है वो वहां से शुरू है. अब केकड़े आप एक बास्केट पे रखते हैं, बाहर नहीं निकल सकता उसमें से कोई भी. ढकन रखने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे वो बाहर निकलेगा दूसरा केकड़ा पकड़े खींच लेगा. तो अब हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियर आपके ऊपर इफेक्ट करता. ठीक है जी. क्लैम्स. नेक्स्ट. वॉकिंग वाउंडेड. वॉकिंग वाउंडेड. और जिन्हों की हर वेले रोन वाली शक्ल नहीं होती, ये नॉर्मली आपको अपने सबॉर्डिनेट्स में से मिलते हैं. मर गए सर. वो आपके पास आएगा, सबसे पहले आपके आके बताएगा, यार की होया तेन, मर गए सर. बस जी सर, मारे गए जी, बिल्कुल छोड़ो सर जी. मतलब उस बंदे को खैर की खबर कभी नहीं मिलनी. ये हर थाने च, हर दफ्तर च यहोजे लोग अवेलेबल होंगे. हाँ जी. हाँ हाँ जी. सॉरी. कॉन्स्टेंटली आप उनको कुछ भी कह छो जी सर, जान दो. और नहीं सर जी की हो, बस जी मारे गए सर जी. सर जी है कोई जगह भला सर जी. नॉर्मली आपको जूनियर्स में मिलते हैं बुलडोजर्स, ये आपको मिलते हैं अफसरों में. तो ऐसा बता दिया ना आपको, ये बस आपने करना है. मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, ये आपने करना है. मैंने आपको बता दिया. अगर आप नहीं कर सकते मुझे बता दें, मैं किसी और को ले आऊंगा जो कर लेगा. यह भी सेंटेंस आपने सुना है? नेक्स्ट. एक्सप्लोडर्स. ये वो अफसर है जो अपनी पेटी उतार के बैठा होता है दफ्तर में. इस तरह के सीनियर अफसर से भी आपकी मुलाकात हुई होगी ना. ये वो अफसर है कि जो दफ्तर में बैठा होता है तो बाहर इसकी आवाज आ रही होती है आपको बिला वजह. वो टेलीफोन पे भी गाल कर रहा होगा ना, तो मतलब बाहर आवाज आ रही होगी. छोटी छोटी बात पे एक्सप्लोड कर ले, उससे जनरेट होता है डर. क्योंकि हम बेसिकली चूंकि दरमियान में हैं इसलिए हमारी इज्जत भी है, एक सफेद पोशी भी है. हुन सफेद बाला नाल बेस्ती कराना बड़ा मुश्किल हो जाता ना. हुन बंदा कहना यार छोड़ो, मतलब की जाने. कई ऐसे अफसर होंगे जिनकी आप कोशिश करेंगे, आप अपने करियर में ऐसे अफसरों को मिले होंगे जिनके दफ्तर में जाना आप ज्यादा को पसंद नहीं करते. अवॉइड करो, निकलो. वो होते हैं एक्सप्लोडर्स. नेक्स्ट. ब्राउन नोजर्स. ये वो शहजादा होता है जो आपके एसएसबी के हमेशा पीछे खड़ा होता है. बिल्कुल. एसएसपी साहब बड़े नाखुश ने थोड़े नाल. आपस की गल है, मैं दस रहा हूं.
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਲੀਖੋਰ ਗੌਸਪਰਸ ਗੌਸਪਸ ਨੈਕਸਟ ਵਾਈਨਰਸ। ਨਾ ਵਾਈਨਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਛੋੜੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਆਪਸੇ ਆਪਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਨਾ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਹੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹਾ ਆਪਸੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਸੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਸੇ ਨਾ ਆਪਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟੀ ਛੋੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਮੈਂ ਛੁਰਾ ਘੁੰਮਤਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਪੇਟਰਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ। ਪੇਟਰਨਾਈਜ਼ਰ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕਹਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਾ ਮੁਫਤ ਕਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਪੇਟਰਨਾਈਜ਼। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਨਾਈਪਰਸ। ਸਨਾਈਪਰ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਮੰਡੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਆਨਾ ਮਸਾਈ ਵੱਲ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰਸ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਫੌਜ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟੈਫਰਸ। ਸਟੈਫਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਦਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਬਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ ਹਮ ਉਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਸਕੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹਮਨੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਇਜਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਵੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਟ ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਰ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕਸ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟ ਬੇਬੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੈਸੁਲ ਇਨਸਾਨ ਚੇਂਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨੈਪੀ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਨੰਬਰ ਵਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਟ ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਰ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਈਫ ਕੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਉਸਕੋ ਯੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਯੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਤੀ ਮਤਲਬ ਉਸਕੋ ਹਮੇ ਉਸਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ
alters the way we think. क्योंकि जैसे ही चेंज होगी तो हम किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में हम इनिशियली सोच रहे थे, हमें उसको चेंज करके किसी और चीज के बारे में सोचना पड़ता. मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर अ वाइल, आपकी जिंदगी को कुछ देर के लिए मुश्किल बना देती. नेक्स्ट, इट कॉजेज स्ट्रेस. और स्ट्रेस का हम एडवांस में जब ये करेंगे तो स्ट्रेस इज अ किलर. नेक्स्ट, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है ना चेंज के बारे में, वो ये है कि ये कांस्टेंट है, हमेशा होती है. आपको पता है कि आपकी तब्दीली होगी और उस तब्दीली की वजह से आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी. आप उस तब्दीली से नहीं डरते हैं, उस तब्दीली से नहीं आप डरते, डरते आप अपनी जिंदगी की तब्दीली से. भाई आपके बच्चे एक जगह पे पढ़ रहे हैं, आपने उनको उठाना है और नए स्कूल में लेके जाना है. जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को शायद आपको चेंज करना पड़े. जिस एनवायरमेंट में आप कंफर्टेबल है ना, चेंज उस एनवायरमेंट से आपको निकाल लेती है. इस वजह से आप चेंज से डरते हैं. नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके, ये चलते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपके, ठीक ना, नहीं देखा आपने, कहीं पे आपको काम नहीं करने दिया, एक बंदे ने आपको एक काम से रोका, दूसरे बंदे ने उसी काम के लिए आपको कहा. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपके ऊपर गुजरी हुई है ना, लेकिन इस हर चीज में एक चीज कांस्टेंट है, प्रेशर हमेशा आप पे है, प्रेशर हमेशा आप पे. नेक्स्ट, मीडिया फ्रेंजी. नाउ मीडिया एक नया पावर ग्रुप है आपके लिए, ये एक नया और बहुत खतरनाक पावर ग्रुप है, क्योंकि आप बाकी पावर ग्रुप्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं. ऐसे ही है ना, मेजर आपके पावर ग्रुप्स यही है ना, आप इनको सारी उम्र हैंडल करते रहे हैं, सारी उम्र तरीके से आपने उसको हैंडल किया है. ये जो नया फिनोमेना है मीडिया का, ये इफेक्टिव है उन तीनों पावर ग्रुप्स के ऊपर. ऐसे है ना, अब या तो आपके पास मीडिया एक तरह का होगा तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है. 62 चैनल है पाकिस्तान में, 62 और 62 मुख्तलिफ किस्म की आपकी थॉट प्रोसेसेस हैं. अब कैमरा आपके थाने के अंदर आ गया हुआ है और किसी वक्त भी पहुंच सकता, ठीक है, और उन 62 में से किसी भी एक चैनल का आ सकता और आपके लिए उतना ही वो प्रॉब्लमैटिक. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे ये स्टेटिस्टिक है, क्राइम इज डाउन 20%, रिपोर्टिंग इज अप 600%, प्रॉब्लम इसका ये है कि इस तस्वीर को देखने वाले कौन सी चीज को पढ़ते हैं ये आपको नहीं पता. क्या वो ये देखेंगे कि 20% क्राइम डाउन है, या वो ये देखेंगे कि 600% रिपोर्टिंग अप है. ठीक है ना, अब पहले जो चीज रिपोर्ट नहीं होती थी आज वो होती है. अगर आप वो एसएचओ उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा
वो टेलीफोन उठाएगा, उठा के दुनिया न्यूज वाले को फोन करेगा, जियो वाले को फोन करेगा, वो पहुंच जाएगा। पुलिस का तशद्दुद और डिटर्मिनिज्म थ्योरी, जेनेटिक, माय ग्रैंड पेरेंट्स डिड इट टू मी, नेक्स्ट माय पेरेंट्स डिड इट टू मी, नेक्स्ट माय स्पाउस, माय फैमिली, माय बॉस, द कंपनी, द इकोनॉमी एक्सेट्रा is doing it to me, surroundings. Now, problem हमारे साथ ये है कि हमें हर इंसान को, एक philosopher ने ये कहा था कि the flow of the continents, the rise and fall of the sun,